परिचय। पिताजी, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यह पार्क बहुत सुंदर है और यह प्रकृति से भरपूर है। हाँ बेटा, इसीलिए हम प्रतिदिन सुबह यहाँ टहलने के लिए आते हैं। पिताजी, वो साइकिल चलाने वाला इतना थका हुआ क्यों है? वो इतना थका हुआ इसलिए है क्योंकि वह अपनी ऊर्जा खो रहा है। ऊर्जा? अच्छा, मेरे विज्ञान के शिक्षक ने हमें पिछले सप्ताह ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था। बहुत अच्छे बेटे, लेकिन क्या तुम्हें कार्य और सामर्थ्य के बारे में भी पता है? नहीं पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लड़के द्वारा साइकिल चलाना किया गया कार्य कहलाता है। लड़के की वह क्षमता जितने समय तक वह साइकिल चलाता है ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने या उसके द्वारा साइकिल चलाने की चाल की दर सामर्थ्य कहलाती है। आइए कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में संक्षेप में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य को परिभाषित करना, किए गए कार्य को मापना, एक चर बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना, कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझना, एक चर बल द्वारा कार्य ऊर्जा समीकरण को समझना, ऊर्जा के विविध रूपों को जानना, ऊर्जा संरक्षण के बारे में समझना। परिभाषा। अपने दैनिक जीवन में हम कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के कई उदाहरण देख सकते हैं। स्विमिंग पूल में तैरता हुआ एक तैराक, एक खेल में दौड़ता हुआ एक लड़का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बक्से को उठाकर ले जाता एक व्यक्ति। सभी परिदृश्यों में कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य का प्रयोग होता है। कार्य। बल द्वारा किए गए कार्य को विस्थापन की दिशा में बल के घटक और इस विस्थापन के परिणाम के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। W बराबर F गुणा D, W बराबर F cos थीटा गुणा D। निम्नलिखित परिस्थितियों में किया गया कार्य शून्य होता है: जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, जब बल शून्य होता है, गतिज ऊर्जा। किसी पिंड में किसी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv वर्ग। बहता हुआ जल, उड़ता हुआ पक्षी गतिज ऊर्जा वाले पिंडों के कुछ उदाहरण हैं। यह तार्किक है कि तेज चाल से गतिमान एक पिंड में धीमी चाल से गतिमान पिंड से अधिक गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। उदाहरण। आइए गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण लें। 10 किलोग्राम का एक पिंड विराम अवस्था में है, जिस पर 40 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। 20 सेकेंड के बाद पिंड द्वारा अर्जित की गई गतिज ऊर्जा की गणना करें। आइए हल देखें। दिए गए मान है m बराबर 10 किलोग्राम, u बराबर 0, f बराबर 40 न्यूटन, t बराबर 20 सेकेंड, v बराबर u प्लस at का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है v बराबर 80 मीटर प्रति सेकेंड। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv वर्ग। गणना करने पर हमें प्राप्त होता है गतिज ऊर्जा बराबर एक चर बल द्वारा किया गया कार्य। जब विस्थापन डेल्टा एक्स बहुत कम होता है तो किया गया कार्य डेल्टा W बराबर F ऑफ X डेल्टा X। क्रमागत आयताकार क्षेत्रफलों को जोड़ने पर किया गया कुल कार्य W लगभग F ऑफ X और डेल्टा X के गुणनफल की प्रारंभिक स्थिति XI से अंतिम स्थिति XF तक योगफल के बराबर है। एक चर बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहां बल एक दिशा में सतत रूप में बदल रहा है। गणना करने पर dk/dt बराबर d/dt गुणा 1/2 mv वर्ग। हम प्राप्त करते हैं dk/dt बराबर f गुणा dx/dt। इससे प्राप्त होता है dk बराबर fdx। अब प्रारंभिक स्थिति xt से अंतिम स्थिति
एक्स एफ तक समाकलन करने पर हम पाते हैं के एफ माइनस के टी बराबर कार्य। यही एक चर बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय है, स्थितिज ऊर्जा। पिंड की स्थिति या आकार के कारण इसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बांध में संचित जल, एक पहाड़ी पर रखा पत्थर, धनुष की तनी हुई डोरी आदि। जब किसी पिंड को बिना त्वरण के जमीन से ऊपर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जाता है और यह कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। अब पिंड को नीचे की ओर छोड़ा जाए तो इसकी चाल बढ़ती जाती है। जमीन से टकराने से ठीक पहले इसकी चाल v की घात 2 बराबर 2gh। इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है यदि इस पर कार्य करने वाले बल संरक्षी हों। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। विचार करें कि आरंभ में m द्रव्यमान का कोई पिंड जमीन से h ऊंचाई पर बिंदु b पर रखा है। b पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा है mgh। मान लें कि b से x दूरी पर एक बिंदु a है और यदि a पर पिंड का वेग u हो तो u वर्ग बराबर 2gx। a पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा बराबर a पर पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस a पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। इसकी गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं a पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा mgh है। यदि जमीन से टकराने से ठीक पहले पिंड का वेग v हो तो v वर्ग बराबर 2gh। यहां O पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा बराबर O पर पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस O पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। इसकी गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं O पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा mgh है। एक स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी स्प्रिंग को बिना किसी त्वरण के फैलाया या संपीड़ित किया जाता है तो एक बाह्य बल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब एक स्प्रिंग को फैलाया या संपीड़ित किया जाता है तो इसी प्रत्यस्थता के कारण स्प्रिंग में एक प्रत्यानन बल उत्पन्न होता है जो इसकी लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यानन बल को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, एफ अनुक्रमानुपाती एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, जहां k बराबर स्प्रिंग का बल नियंत्रांक है और ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह सदैव परिवर्तन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तब इसका क्षण आवश्यक बाह्य बल f बराबर kx इसकी लंबाई में और dx परिवर्तन करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, dw बराबर f सदिश और dx सदिश का डॉट गुणनफल, या dw बराबर kx dx। अब इसकी लंबाई में l परिवर्तन करने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य की मात्रा w बराबर dw का समाकलन। इसकी गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं w बराबर 1 बटे 2 kl वर्ग। तब स्प्रिंग की लंबाई में l परिवर्तन करने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा बराबर w। स्थितिज ऊर्जा के विविध रूप। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है जो एक से दूसरे में रूपांतरित हो जाती है। वे इस प्रकार हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। प्राचीन काल में मानव पत्थरों को रगड़कर आग जलाया करते थे। यहां घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इससे पत्थरों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। जब पत्थरों का तापमान एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है तो आग की एक चिंगारी उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की बंधन ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार हैं,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादों से अधिक होती है और ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादों से कम होती है और ऊष्मा अवशोषित होती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश और धारा एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के सापेक्ष उन्हें गति कराने के लिए सामान्यतः कार्य करने की जरूरत होती है। इस कार्य से संबंध ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 ने दिखाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा समतुल्य हैं और एक संबंध द्वारा संबंधित हैं। E=mc², जहां c निर्वात में प्रकाश की चाल है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में दो प्रकार हैं, वे हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं। नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है। सूर्य में चार हल्के हाइड्रोजन नाभिक समेकित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिसका द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के योगफल से कम होता है। यह द्रव्यमान अंतर द्रव्यमान दोष डेल्टा एम कहलाता है, जो ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विद्युत संयंत्र नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उपयोग करता है। विखंडन में एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235-92 एक न्यूट्रॉन द्वारा हल्के नाभिकों में टूटता है। सामर्थ्य, किसी पिंड के सामर्थ्य को पिंड द्वारा कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामर्थ्य एक अदिश राशि है और इसे पी से व्यक्त करते हैं। पिंड की सामर्थ्य P=W/T, इसका SI मात्रक वॉट है। सामर्थ्य के सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य मात्रक किलोवाट या हॉर्स पावर अश्व शक्ति हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। तात्कालिक शक्ति, इसे किसी विशिष्ट क्षण बहुत कम समय अंतराल में औसत शक्ति या सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया। आप जानते हैं, जेम्स वॉट एक व्यापारिक परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने स्कॉटलैंड में इंजीनियरिंग का कार्य किया। उन्होंने भाप इंजन को इस सीमा तक सुधार दिया कि अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि वॉट ही भाप इंजन के आविष्कारक हैं। यह ध्यान रखना रोचक है कि मूलतः भाप इंजन का विकास न्यूकोमेन ने किया था। कार्य एक ऊर्जा है जिसे वस्तु पर कार्यरत बल के साधनों द्वारा एक वस्तु में या से स्थानांतरित किया जाता है। वस्तु को स्थानांतरित ऊर्जा धनात्मक कार्य होती है और वस्तु से स्थानांतरित ऊर्जा ऋणात्मक कार्य होती है। स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा केवल संरक्षी बलों के मामले में ही पाई जाती है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। आरोपित बल द्वारा कार्य तब किया गया कहलाता है जब पिंड जिस पर बल कार्य करता है बल की दिशा की लंबवत दिशा को छोड़कर अन्य किसी भी दिशा में विस्थापित हो। जब किया गया कार्य धनात्मक होता है तो पिंड की गतिज बढ़ती है। FS आलेख और S अक्ष के मध्य क्षेत्रफल से किया गया कार्य प्राप्त होता है। किसी अभिकारक का सामर्थ्य अभिकारक द्वारा किए गए कुल कार्य और इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होता है। यह एक अदिश राशि है। यांत्रिकीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का कुल योगफल नियत रहता है।